सुंदर चाची, ए सुंदर चाची, आओ क्या घर में? आओ आओ सुच्ची लाला, आओ बैठो बैठ। क्या बैठने चाची? छह बरस हो गए, असल की बात तो रही दूर, ब्याज भी एक पैसा नहीं मिला। इस फागुन में पूरे छह हो जाएंगे, समझी? अरे तो लाला दम क्यों निकला जाता है? कुछ सुंदर चाची मर नहीं जाती है, और मरूंगी भी तो तुम्हारा एक एक ढेला देकर मरूंगी। शर्म नहीं आती? वाह, जब देखो खड़े हैं। जब कह दिया दो चार महीने कम खाओ। और कम खाते खाते तो छह बरस बीत गए। दूसरा होता तब तक डिग्री करा के बैल बढ़िया घर खेत सब सुरख करा देता। ये तो हम ऐसे मानस नहीं है, अपने मन में भगवान ने दया दी है तो चुपके बैठे हैं। और इस पर तुम गम खाने की बात करो। तुमने बड़ी मेहरबानी की लाला। क्या मेहरबानी की, जरा चाची की बातें सुनो। हमारा ही खाए, हम ही पास के निकाले। देखो लाला, गुस्से गर्मी से काम नहीं चलेगा। रुपए लेना है तो धीरज से बात करो। चाची मैं तो गुस्से गर्मी से बात नहीं कर रहा था, तुम ही गरजने लगी एकदम। अरे क्या गरजने लगी, दो दो चार चार करके ना मालूम कितने दे चुके, मगर तुम तो ऐसे मांगते हो जैसे कभी कुछ दिया ही नहीं। ऐसी क्या बात, जो कुछ दिया होगा कौड़ी तौड़ी खाते में लिखा होगा। अरे खाता तो ठहरा तुम्हारा, मन ने जो आया लिख लिया, या पढ़ने कौन बैठेगा? ऐसा ही है तो हम जो कुछ उससे रसीद हमें दे दिया। वाह वाह, ऐसे ही हम दो दो चार चार रुपए की रसीद देने लगे तो कर चुके काम। हमारे यहाँ तो कुत्ते की रसीद होती है, जब कुल रकम दे दोगी कुर्सी काट दी जाएगी। हाँ लाला, जो मन में आए करो। चाची मैं तो कहता हूँ इसमें थोड़ी सी भूल तुम्हारी भी, छह बरस हो गए तो हाँ, अब अगर फसल पर थोड़ा थोड़ा अनाज ही दे देती तो आज भी इतना बोझ क्यों होता। लाला कैसी बातें करते हो, लाले पड़े हैं पेट भरने को, अनाज तुम्हें दे देती तो बच्चों को क्या खिलाती। देखो लेन देन ठहरा अपना काम, अब अगर भूला घास से आसनाई करे आए क्या। और चाची अगर तुम देने वाली होती तो हजार रुपए से दे सकती, कुछ नहीं था तो अपनी बहू को ही मेरे अथाणु बर्तन करने को। क्या कहा क्या कहा लाला, होश पे हो? चाची तुम बस चुप रहो, तुम्हारे ना जोरू ना जाता माँ ना बहन नाटे निगोड़े आदमी मेरी बहू तुम्हारे घर झाड़ू बर्तन करने जाती, कोरी तुम्हारी से बातें कर रही हूँ। लाला आज जब हम गरीब हो गए तो क्या हमारी इज्जत आबरू भी जाती रही? गांव वाले पास पड़ोसी बिरादरी वाले क्या कहेंगे, माँ रहेगी या जाएगी? अच्छी बात है, जिस दिन कुर्सी आएगी उस दिन देखेंगे नाक रहती है कि जाती। सब कुछ बिक जाए मगर हम अपनी इज्जत नहीं देख सकते। जब भूखों मरने लगोगे तब देखेंगे कि इज्जत हमारे घर बिकने आती है कि नहीं। चाचा जो कुछ करना है कर लो, ज्यादा से ज्यादा यही ना कि बैल बढ़िया खुलवा ले जाओगे, खन खेत सिखवा लोगे। अरे हाथ पाँव चलता है तो भगवान और दे देगा। भैया बंसी हम तो फर पाए, ब्याह किया था इसलिए कि घर बसेगा नाम चलेगा। अरे तो क्या बुरा किया ब्याह किया तो, भगवान ने तुझे ऐसी सुंदर गृहस्थ स्त्री दी है कि आसपास के 10-20 गांव में मशान लेकर धूले तो न मिलेगी। और भगवान की कृपा से दो बच्चे हैं और तीसरे की उम्मीद है। अरे हमको कहो ना, आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते हैं कुछ नजर नहीं आता, घर सुनता है मालूम होता है। सच कहते हो बंसी, मगर बाल बच्चे तभी अच्छे मालूम होते हैं जब खाने को रोटी तन को कपड़ा, गरीबी है कि आंखें फाड़ फाड़ हर रोज बढ़ती चली आ रही है, और बच्चे हैं कि आमों की फसल की तरह एक एक चले आ रहे हैं। मेरा पास चले तो एक एक का गला खोल दूं। लगे तो आया। माँ जी तुम भी खा लो। आ
ला ला मेरा लल्लू राजा होगा, उसके दारिये होंगी। बहू, अरे बहू, थोड़ा सा पानी तो पिला दो, आज बड़ी खांसी आ रही है। आएगी क्यों नहीं, वो कितने दिन जीऊंगी। अरे भगवान, जमीन छूट जाती मेरी जिंदगी में।
लगा, भाग आया खेत से। बड़ा सुंदर बालक है, ये तो ललुआ चंदू से भी अच्छा है, आंखें तेरी खुद तेरी ऐसी, बड़ा बड़ा बड़ा। तेरा जी कैसा है? अच्छा हूँ माँ, इतना झीकने पर भी बेशर्म जिंदगी साथ नहीं छोड़ती। मैं तो अब परेशान हो गया। काहे से परेशान हो गया? बड़े परेशान होने वाला, घर में आज बालक हुआ है, खबरदार जो ऐसी बुरी बुरी बातें मुंह से निकाली। क्या बालक हुआ है माँ? अपना पेट भरने का तो सहारा नहीं, इस बालक सेना को कहाँ से खिलाऊंगा? फिर वही बातें, बालक कुल के दीपक और भगवान के दिए हुए रतन होते हैं, इन्हीं से तो हमारा नाम चलेगा। नाम तो तब चलेगा जब इनको पाल पोस कर बड़ा कर सकेंगे। क्यों नहीं बेटा, लड़के तो अपनी किस्मत की रोजी साथ ही लेकर आते हैं। देखना ये बालक ऐसा भगवान होगा कि हमारे दरिद्र सारे धुल जाएंगे। हाँ माँ, चंदू की तस्वीर अपनी यही कहती थी, लेकिन अब तक वही फाका मस्ती चली आ रही है। इस तरह अपने मन को कहाँ तक धोखा देते रहेंगे माँ? क्या है? क्या उसमें लाल लगे या मैं तमाशा? बाबा बाबा बाबा, जोएगा तो टांगे नोच के फेंक दूंगा। इन कमबख्तों का भगवान के यहाँ भी ठिकाना नहीं। बाबा निकल ले, चलो। क्या कर तू करते हो? माँ बाबा गुस्सा करता। जाओ तुम दादी के पास खेलो। आज सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया, तो खा लो। हो क्या गया है? जाओ, तुम सब मेरी जान के साथ, या मैं मरता हूँ ना तुमको मौत आती। तुम अपने को क्यों कोसते हो? मैं ही मरती हूँ तो सब पाप कट गए। होली है, होली होली जवानों की।
हमारी क्या? तो तुम कौन सी बुढ़िया हो गई हो? बुढ़िया से भी बदतर। होली दिवाली जो कुछ करना थी नैयर में कर। और अब क्या हुआ? अब न पैसा न कौड़ी न दिन में उमंग। जब खाने को होता है तो सब कुछ अच्छा लगता, फिर उनकी ये हालत देखकर और भी दुख होता। जब वो दुखी है तो मैं कैसे खुश हूँ? दिन में जमीन लिखा लेता हूँ। लाला बेचारी के बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाबा जब तक औरत जवान है बच्चे नहीं मरेंगे। भगवान के आश्रय पर शादी कर ली, मरे मरत अब कमाते प्राण निकलते। बाबा का बच्चा ऐसा क्या करते हो? भूखा है। भूखा तो मैं क्या करूँ, मर जाए। तुम्हें ऐसा न कहना चाहिए, भगवान को बुरा मालूम होगा। बुरा मालूम होगा तो उसी से कहो। तुम इतनी निराश क्यों होते हो? इतने दिन से हाथ लगाई तो क्या मिल गया, मर जाने दो भूखे। कैसे मर जाने दो? भगवान के दिए हुए जीवन। क्या दिया है तो वही पेट भरे, मुझसे क्यों मांगते हैं?
देवताओं से हार कर पाप की बातें करने लगे। चुप रह, बड़ी पाप वाली आई। तुम तो जानते ही हो लाला, इस साल फसल तो बिल्कुल पकी ही नहीं। ये असल फसल मैं एक नहीं जानता। सीधे से जमीन मेरे नाम लिख दो, मैं दावा कर दूंगा तो मैं हर्जे खर्चे के देना पड़ेगा। जमीन के साथ घर व सब नीलाम पे चढ़ा दूंगा। लाऊंगा लाला, कुछ मेरे बच्चों का भी तो ख्याल करो। बहुत ख्याल किया बच्चों का,